हाय फ्रेंड्स, मैं दीप। स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल में बॉन्साई डी। तो आज का टॉपिक है बॉन्साई ट्री कैसे लगाया जाता है और इसका हंटिंग कहाँ से होता है। मैं बेसिकली हंटिंग करके ही लगाता हूँ, इसीलिए आप सभी को मैं हंटिंग करके कैसे लगाया जाता है हाँ यही दिखाऊंगा। तो शुरू करेंगे आज एक पीपल का पेड़ से, जो मेरा पानी का टंकी का बगल में ही हुआ है। तो वो छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, तो छोटा पॉट ही यूज़ करूँगा। तो आइए मेरे साथ, चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरा जो पीपल का ट्री है, तो मैंने यहाँ से हंट कर लिया है पहले ही। तो मैं दिखाऊँगा कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो मैं ये कर चुका हूँ पहले, इसीलिए आप लोगों को दिखाने का लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो जो भी भूल चूक होगी उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था, जो मेरा पानी टंकी का नीचे से आया था, तो मैंने ये एक यहाँ से कट लिया है, यहाँ से लिया था, जो जिसका रूट, मेन रूट जो था, मेन रूट तो बाहर नहीं आया, लेकिन जो छोटी छोटी रूट्स थे वो बाहर आए हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी रुकिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा बॉन्साई का पीपल का ट्री, जो बहुत ही छोटा है लेकिन खूबसूरत है। देखिए इसका ट्रंक, देखिए ट्रंक बहुत ही एडल्ट लग रहे हैं, लेकिन ये जो पौधा है ये अभी बहुत ही छोटा है। तो मैंने छोटे पॉट पे ही लगाया है इसको। तो मैंने क्या किया, पहले ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर देखिए, आप देख सकते हैं इसका नीचे मैंने छेद किए हैं ड्रेनेज के लिए, क्योंकि बॉन्साई को हमेशा ड्रेनेज चाहिए। तो ड्रेनेज के लिए मैंने नीचे छेद किए हैं, और थोड़ी सी ऐसी ही पत्थर मैंने नीचे भी डाली है। तो नीचे डालने का बाद मैंने बॉन्साई सॉयल का यूज़ किया है। जो बॉन्साई सॉयल कैसे तैयार होता है, इसका अपडेट भी आपको दूंगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा बॉन्साई सॉयल कैसे बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बॉन्साई सॉयल दिया है, उसके बाद थोड़ी सी बॉन्साई सॉयल दिया है, उसके बाद मैंने ये पेड़ को हल्के से लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पेड़ है, तो इसको मैंने, इसका रूट्स नहीं है तो ऐसे ही लगा दिया है। अगर रूट्स निकल आए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो आप देख ही सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो बॉन्साई सॉयल देने के बाद वो पौधे को मैंने हल्के से वहाँ पे रखा, ऊपर से और थोड़ी सी सॉयल दिया। तो बॉन्साई सॉयल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ये सारे पत्थर जो देख रहे हैं आप, ये सारे पत्थर खाली डेकोरेशन के लिए लगाए हैं मैंने। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो और खूबसूरत लगेगी। अभी तो फ़िलहाल इसका जो मेन ट्रंक है आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको मैंने कट किया है, क्योंकि मुझे इसका ये शेप बहुत ही अच्छी लग रही है। क्योंकि देखिए यहाँ से भी एक ब्रांच निकल रही है, और यहाँ से भी। तो मैं चाहे तो इसको जब थोड़ी सी बड़ी होगी तब दूसरे पॉट में लगाऊंगा, तो इसीलिए अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और लगाने के बाद एक बात याद रखिएगा कि इसको ज़्यादा हिलाइए मत, क्योंकि थोड़ी सी हिलने के बाद ये जड़ जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, तो जड़ हिलते रहेंगे तो ये सूख जाएंगे, ठीक है। तो कहीं भी आप इसको फिट कर दीजिए, अभी तो मैं फ़िलहाल यहीं पे रख देता हूँ। और ये हो गई मेरी बॉन्साई पॉट तैयार विथ बॉन्साई पीपल का पेज। तो दोस्तों, इसका आगे का अपडेट भी आपको देता रहूँगा, तो आप देखते रहिए मेरा चैनल बॉन्साई डी, और कमेंट कीजिए कि इसमें क्या गलती है और क्या
और डाल सकते हैं। तो कोई भी आपको तकलीफ़ होगी तो वो भी कमेंट में दे सकते हैं, अगर मेरी कुछ गलती है तो वो भी बता सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो घंटी का बटन है उसको भी दाबिएगा, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका पहले से आपको पता लग जाए इसीलिए। तो फ्रेंड्स बाय, इसका अपडेट जब होगी तब मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा, तो आप देखिएगा धीरे धीरे कैसे ये ग्रो करती है और कितना खूबसूरत लग रही है अभी। तो चलिए फ्रेंड्स बाय।